सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरु जी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं पावर पॉइंट का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट बेसिकली एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम किसी की भी प्रेजेंटेशन लाइक अपना फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में वन बाय वन दिखाना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशंस के थ्रू हम इजीली समझा सकते हैं उसको। तो हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको वर्क पे करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, पावर पॉइंट को खोलना होगा, जिसके लिए आप विंडो के साथ आर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक नाम टाइप करेंगे पावर PNT। जैसे ही आप उस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक लेआउट आ रहा है जिसमें अभी क्लिक टू ऐड टाइटल के बारे में लिखा आ रहा है और नीचे उसके आ रहा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल, यानी कि जैसे हम यहाँ पर देना चाहें कंप्यूटर और यहाँ पे हम उसका सब टाइटल दे देते हैं डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। तो यहाँ पर हमने एक प्रेजेंटेशन में सिंपल कंप्यूटर और उसके नीचे उसका जो फाउंडर है उसका नाम डाला। जैसे ही हम इसको पूरी स्क्रीन पे दिखाते हैं तो F5 के जरिए हम उसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि जो हमारा टाइटल था मेन और जो हमारा नीचे उसके बारे में सब टाइटल था। तो यहाँ पे तो सिंपल हमने एक ही प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करा है, हम चाहें तो और इसके बारे में आगे बढ़ा सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे न्यू स्लाइड्स के अंदर किस तरीके से आप नई स्लाइड्स चाहते हैं, ब्लैंक स्लाइड्स चाहते हैं या टाइटल से रिलेटेड स्लाइड्स चाहते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं टाइटल ओनली पे ही क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर मैंने और डिफाइन करा इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस के बारे में हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि इनपुट डिवाइस जैसे हमारा माउस हो गया या कीबोर्ड हो गया। तो यहाँ पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से एक बॉक्स बनाकर भी डिफाइन कर सकते हैं माउस एंड कीबोर्ड। तो आप अगर चाहते हैं कि जैसे वो सारे के सारे कैरेक्टर कैपिटल में ही ले तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है होम टैब पे, आप उसे अपर केस से डिफाइन कर सकते हैं, बोल्ड वगैरह कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसका साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं या उसको सेंटर अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आप उसे बुलेट्स डिफाइन कर सकते हैं, आप मेन जो आपका हेडिंग है उसको भी आप यहाँ से कोई भी शेप फिल कर सकते हैं, किस तरीके से उसको बैकग्राउंड कलर देने के बाद उसका फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, उसका भी साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पहली जो मेन स्लाइड थी उसके बारे में हमने यहाँ पर कुछ लिखा। इसी तरीके से हमने एक और न्यू स्लाइड दे दी जहाँ पर हमने डिफाइन करा आउटपुट डिवाइस और यहाँ पर भी हम अगर चाहें तो इसके ज़रिए यहाँ पे लेआउट हाथों हाथ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। टाइटल स्लाइडर के बारे में जैसे हमने क्लिक करा तो नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो चुका है। तो लेआउट्स के ज़रिए हम उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आउटपुट डिवाइस दे दिया अपना प्रिंटर और अपना LED। तो हम चाहें तो इसको बाद में भी इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसका फॉन्ट कलर क्या करना चाहते हैं, इसको बोल्ड करना चाहते हैं सेम एज जो भी हमने पीछे करा था स्लाइड्स पर, उसका साइज़ इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, अपना जो मेन टाइटल है उसको कलर देना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम इसको रन कराएं F5 के ज़रिए तो हम देखेंगे कि पूरी स्क्रीन पे ये हमारी पहली स्लाइड्स है, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारी दूसरी स्लाइड्स है एंड आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारी तीसरी स्लाइड्स है। तो हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें सिर्फ हमने 3 स्लाइड्स का इस्तेमाल करा है। उसके बाद हम चाहें तो इसको एनिमेशन भी दे सकते हैं, उसके लिए आपको इसका सिलेक्शन करना होगा, एनिमेशन टैब पर जाना होगा और कस्टम एनिमेशन टैब से आप यहाँ पर उस पर कोई भी एनिमेशन डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इनपुट डिवाइस पे भी देना चाहें या आउटपुट डिवाइस पे भी देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं।
तो इस तरीके से हम यहाँ से अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर F5 के जरिए देखेंगे, जब हम क्लिक करेंगे माउस से तो हमें दिखेगा, सेकंड स्लाइड पे जब हम जाएंगे तो फिर हमें दिखेगा, एंड थर्ड स्लाइड्स पे हम जाएंगे तो हमें दिखेगा। हम चाहें तो इसको माउस क्लिक के जरिए हटा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया होता है ऑटोमेटिकली की जगह आप माउस क्लिक को हटाकर ऑटोमेटिकली 1 सेकंड दे सकते हैं और अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। जब आप F5 करेंगे तो आपको माउस की दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफाइन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे किस तरीके से पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।